वर्षा जल संग्रहण और घरों से निकलने वाले गंदे पानी को संजोकर पानी का इस्तेमाल खेतीबाड़ी के लिए करने से जिला हमीरपुर के सराकड़ पंचायत के कराली गांव के किसान खुशहाल हो गए हैं। कराली गांव में जहां किसी समय कच्ची गलियों में घर से निकलने वाले गंदे पानी के कारण चलना दुर्बल बन जाता था, तो अब लोगों द्वारा गंदे पानी की पाइपों के जरिए वेस्ट वाटर टैंक में पहुंचाया गया है, जहां से वाटर वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के तहत पानी का इस्तेमाल नजदीकी खेतों और सब्जी उत्पादन के लिए किया जा रहा है। वर्षा जल संग्रहण और घरों से निकलने वाले गंदे पानी को संजोकर पानी का इस्तेमाल खेती बाड़ी करने के लिए जिला हमीरपुर के सराकड़ पंचायत के कराली गांव के किसान खुशहाल हो गए हैं। कराली गांव में जहां किसी समय कच्ची गलियों में घर से निकलने वाले गंदे पानी के कारण चलना दूभर हो जाता था, तो अब लोगों द्वारा गंदे पानी को पाइपों के जरिए वेस्ट वाटर टैंक में पहुंचाया गया है, जहां से वाटर वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के तहत पानी का इस्तेमाल नजदीकी खेतों और सब्जी उत्पादन के लिए किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वाटर वेस्ट टैंक व लिक्विड वेस्ट ड्रेन ने कराली गांव की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। जिला मुख्यालय से सटी विकास खंड टौणी देवी की ग्राम पंचायत सराकड़ की पहचान अब वेस्ट वाटर और लिक्विड वेस्ट ड्रेन के सदुपयोग के लिए की जा रही है। आपको बता दें कि इस काम को पूरा करने के लिए गांव की वृद्ध महिला ने भूमि दान की थी, तो लोगों के सहयोग से किसानों को आज सुविधा मिल रही है। प्रोजेक्ट के तहत हर घर से पाइपों के माध्यम से रसोई व बाथरूम के पानी के अलावा बारिश के पानी को पाइपों के रास्ते बनाई गई बड़ी मेन लाइन में डालकर टैंक तक पहुंचाया गया है। मुख्य निकासी पाइप बिछाने के उपरांत रास्ते को टाइल लगाकर पक्का भी कर दिया गया है, जिसके तहत 14वें वित्त आयोग से 2 लाख तथा SDRF से 1 लाख की राशि व्यय की गई। पंचायत के प्रयास से अब कराली एक आदर्श गांव के रूप में उभर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले गांव की हालत दयनीय थी और रास्ते पूरी तरह से गंदे हुआ करते थे, लेकिन वेस्ट वाटर टैंक की स्कीम से अब गांव सुंदर बन गया है और पानी का इस्तेमाल भी सब्जियों और खेती की सिंचाई के लिए किया जा रहा है। अन्य ग्रामीणों ने बताया कि वेस्ट वाटर टैंक बनाने के बाद किसानों को लाभ पहुंचा है और किसानों की फसल बढ़िया हो रही है और सब्जी उत्पादन को भी गांव में बढ़ावा मिल रहा है। बलवीर सिंह, आपने जो ये हमारी योजना इसको सफल किया हमारे प्रधान जी ने, इससे पहले जो इस गांव की कंडीशन थी वो इतनी ख़राब थी कि चाहे बुजुर्ग हमारे हों या युवा हो, कोई भी इस रास्ते पे चलना इतना मुश्किल था। वजन उठा करके पैदल चलना पड़ता है हमें, नीचे से नीचे तक ज़मीन है, तो इतना ख़राब रास्ता था कि इसमें जो पूरे गांव का गंद था वो रास्ते में चलता, चलने के लिए कईयों के पैर भी टूट गए। लेकिन जब से ये योजना चली वेस्ट वाटर शेड जो बनाने की, उसके पश्चात जो हमारे प्रधान जी ने काफ़ी इसमें मेहनत की और जो इसके लिए जो भूमि दान दी वो हमारे बीच में आज नहीं है, लेकिन उन्होंने दान दी, ये सब हमारे गांव वालों के लिए एक मिसाल है। जितनी ख़राब इस रास्ते की हालत थी कोई बोल नहीं सकता था कि कभी ये सुधरेगा, लेकिन इसमें जो है प्रधान जी ने काफ़ी को मेहनत की, हमारे गांव वासियों की सबकी तरफ से बहुत मेहनत की और सहयोग दिया। इस सहयोग से ही ये आज वेस्ट वाटर टैंक जो बना है। दूसरी बात, इसके लिए हमें फ़ायदा लेना हो तो यहाँ पे ग्रीन हाउस भी कोई बना सकता है, मेहनत करना पड़ेगी। काफ़ी लोग इस पानी को वेस्ट जो गंदा पानी है इसकी सब्जियां उगा रहे हैं, खाद के लिए पैसा कम लग रहा है, ये भी एक किस्म की खाद ही है। तो हमारा रास्ता ऊपर तक जहाँ से कराली गांव स्टार्ट होता है वहाँ से यहाँ तक इतनी ख़राब कंडीशन थी कि रास्ते में पानी गंद बहता था, लेकिन आज ये लोगों के लिए बहुत ही स्वर्ग है। यहाँ पे जैसे वेस्ट वाटर टैंक बना उसकी वजह से रास्तों में, पहले तो जब ये नहीं बना था तो रास्तों में बहुत ज़्यादा कीचड़ रहता था, जैसे गांव की सारी लेडीज़ नीचे जाती थी, हमारे गांव की सारे जो खेत हैं वो नीचे हैं और घर ऊपर हैं, तो लेडीज़ को नीचे जाना पड़ता था, गोबर फेंकने जाना पड़ता था, घास काटने के लिए जाना पड़ता था, तो कई बार कोई फिसल जाता था, किसी को लग जाती थी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, स्पेशली बरसात में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो जिसकी वजह से अभी ये वेस्ट वाटर टैंक बन गया, रास्तों में ब्लॉक्स पड़ गए, जिसकी वजह से अभी हमारे गाँव
मतलब गांव भी देखने में इतना सुंदर लग रहा है और अभी पानी की कोई वैसी दिक्कत नहीं है। पहले गांव में हमारे ये था कि हमारे गांव में इधर पानी की बहुत समस्या थी, पानी जो गंदा पानी था वो पूरा रास्ते में जाया करता था, तो इस वहाँ भी चलना कोई भी आता था तो मुश्किल हो जाता था चलने के लिए। तो हमारे प्रधान जी ने एक बेस्टी योजना चली बेस्टी टैंक की, तो उन्होंने पूरा सहयोग करके इस यहाँ पे बेस्टी टैंक को बनाया, जिससे कि हमारे गाँव में चलने की समस्या को, गाँव में जो आदमी लेडीज़ वगैरह चलती थी गाँव कोई भी चलता था तो उसको ख़त्म कर दिया। और इससे हमारा ये फ़ायदा इसे हुआ कि लोग फसलों के लिए पानी, सब्जियों के लिए, आपने देखे हुए यहाँ पे हरा भरा हुआ है, तो इसलिए इसका बहुत हमारे को फायदा है। ग्राम पंचायत प्रधान दलजीत सिंह का कहना है कि वेस्ट वाटर टैंक बनाने के लिए स्वर्गीय प्रभो देवी ने जमीन दान दी थी और गाँव वासियों के सहयोग से वेस्ट वाटर टैंक बनाया जा चुका है और अब टैंक के माध्यम से किसानों की भूमि का पानी सिंचित किया जा रहा है, जिससे किसानों को लाभ भी मिल रहा है। दलजीत सिंह ने उपायुक्त हमीरपुर से लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का योजनाओं को क्रियान्वयन करवाने के लिए आभार जताया। दलजीत सिंह, ये वेस्ट वाटर टैंक जो है, सबसे पहले तो मैं अपने गाँव वासियों का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि यहाँ पर एक बुढ़िया थी प्रवी देवी, वो स्वर्गवास हो गई है 6-7 दिन पहले, उसने यहाँ पर हमें जमीन दी। जमीन देने के बाद जो था यहाँ का मलबा जो था लगभग हमें 500 मीटर नीचे फेंकना पड़ना था, लेकिन कोई 1,00,000 रुपए का ही हमारा खर्चा था, लेकिन ये यहाँ पर सूबेदार भगत जी हैं हमारे बुजुर्ग, उन्होंने अपने खेत में नज़दीक 20 गज के ऊपर पूरा मलबा फेंका लिया, जिससे कि हमारा 1,00,000 रुपया बचा। इसके अलावा गाँव वासियों का मेरे को पूरा सहयोग रहा, मेरी पंचायत के सदस्यों का सहयोग रहा। इसके साथ साथ मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो दूँगा, धन्यवाद जो बोलूँगा, तो जो हमारे ब्लॉक है टौणी देवी, इनके वीडियो को, जई को, जो टेक्निकल असिस्टेंट टेंट ये हैं मलापचंद जी, उनको और सेक्रेटरी को और पूरे ही कर्मचारियों को दूंगा। इसके साथ साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे जो जिलाधीश महोदय हैं, उन्होंने मेरी पंचायत का दौरा किया और ये जो योजना हमने बनाई, ये जो हमने काम किया, इसको उन्होंने देखा और इसकी काफ़ी सराहना की। और इसके साथ साथ उन्होंने जो मीडिया था, मैं मीडिया का भी धन्यवाद बोलना चाहूँगा, क्योंकि मीडिया भी हमारे पास आए, चाहे वो पेपर मीडिया है चाहे वो मेरे टीवी चैनल हैं, वो हमारे पास आए और उन्होंने इस योजना को देखकर जो उस इसको जनता के बीच में दिया, जनता को इसके लिए उत्साहित किया और बाकी जगहों में भी ऐसी परियोजना बनने के लिए उत्प्रेरित किया। इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे ही यहाँ पर ये टैंक बना है तो गांव की पूरी भूमि जो है इस टैंक के नीचे की तरफ है, उपजाऊ भूमि, तो इस टैंक के बनने से जितनी भी नीचे की भूमि है उसमें नीचे से जो है उन फसलों को सेम मिल रही है, पानी मिल रहा है। इसके साथ साथ ऊपर से जो ओवरफ्लो पानी है वो भी खेतों को लग रहा है, जिससे हमारी फसलों में जो है वो काफ़ी बढ़ावा मिला है, फसल जो है बढ़ रही है। अभी आपने सिर्फ एक वार्ड में हुआ आपका, तो बाकी भी है योजना? योजना तो मैंने पूरी गांव-गांव को बोला है कि ये योजना जो है अच्छी योजना है और इस गंदे पानी को निकालने के लिए और इसके इस्तेमाल के लिए बड़ी अच्छी परियोजना है, लेकिन ये प्रॉब्लम ये आती है कि गाँव के जो जमीन है टैंक बनाने के लिए वो जमीन नहीं मिल पाती है। अगर ज़मीन मिलती, वैसे कर रहा हूँ कोशिश 2 गांव में, और अगर ज़मीन मिल जाएगी तो मैं वहाँ पर भी इसी तरह से इस योजना को दूंगा। इसके साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारी जो हिमाचल की सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का, जिन्होंने ये योजना चलाई और गाँव-गाँव तक इस योजना का फ़ायदा मिल रहा है। वक्त तो चले, छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।